ਕਰ ਦੇਗਾਂਗੀ ਆ ਸਰਸੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡੇਰੀ 12 ਬੀਗਾਂ ਦੀ ਹੈ 12 ਬੀਗਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀਓ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਓ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਹੋ ਆ ਬੀਜ ਆ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੀਜ ਕੋ ਹੈ 749 ਹੈ 749 ਅਰ ਸੰਗਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇੜੋ ਹੈ ਜਿਕੇ ਕੋ ਕਿਲੋ ਕੋ ਰੇਟ ਹੈ 70 ਰੁਪਿਆ 70 ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਅਰ ਆ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਤੋ ਆ 12 ਬੀਗਾ ਦੀ ਸਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 6.5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਿਗੇਗੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਅਭੀ ਤੁਲਜੀਏਗੀ ਆਂਕੜਾ ਆਏਗਾ देखो भाई आज सरसों बिकी है बाजार में आज के दिन सारों तेल बिकी है इनको तेल बतावा है खरीदने वाला का 41 किलो तेल है इनका 41 किलो तेल है जो आज सरसों बिकी है 6500 रुपया तो बाजार के अंदर आज सारों तेल बिकी है किसान भाइयों ने आप बात सोचनी चाहिए अभी 800 बीज बीजो और खाद सबरे जिया हनुमान जी कह आगे राय ले लो कोई पीछा कौन लगे हर भी हिसाब में खेती करनी चाहिए तो मेरा कहना हुआ है अभी हनुमान जी मेरा आड़ती है बोला जीव और ए तिल की खेती करे तिल भी आगा 2-2.5 कुंटल कम को नहीं हो कृषि विज्ञान केंद्र वह जुड़ेड़ा है और टाइम टाइम पर बहुत सलाह लेता रहे कितनी खाद कितो पानी हर चीज़ बड़ी मतलब पैदा करे नरमो भी आगो 6 कुंटल बीघे गए हो DAP कम गिरे यूरिया कम गिरे स्प्रे कम करे तो मेरा मानना है अभी हनुमान जी क्यों पूछ गए ही कोई काम करो तो किसान ने 2 रुपया ज़्यादा बंटेगा लाभ होगा और पैदावार ज़्यादा होगी और ये सरसों की खासियत आ है ये सरसों के बीज को नाम है 749 और इनमें एक ही दानो DAP की बिजाई कौन करेड़ी एक ही दानो DAP कौन बीजियो सुपर और यूरिया नीचे बीज के सरसों बीजी है और इनके तेल की मात्रा 41% बतावे व्यापारी और आज ये बाजार बोली गए माँ सबसे छिरे आ बिकी है 6500 रुपया पर क्विंटल तो लेब के अंदर है नहीं हमें लेब में जांच कराई व्यापारी तो इन तेल आयो 41 तो इन मतलब क्वालिटी बढ़िया है तेल की मात्रा भी ज़्यादा है और पैदावार भी ठीक है बीज बढ़िया है मेरे कहने का मतलब वो है कि प्रगतिशील किसान है हनुमान जी बोला यारा प्रगतिशील किसान है आगे हर फसल चाहे नरमो हो चाहे कणक हो ग्वार हो तिल हो कोई चीज़ हो पैदावार बहुत ज़्यादा उठावे तरीकों करे कम खर्चों करे और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये सस्ते रेट में ये बीज लेकर के और बिजाई करें और सरसों का अधिक से अधिक उत्पादन लें।